जो खजी ग्राउंड है वो एक स्मॉल प्लेट्यू पे सेटल हुआ है और यहाँ पे एक लेक भी है जो कि एक ट्राइब्यूटरी से एक फ्रेश वाटर की। ये एक हिल स्टेशन है जो 2000 मीटर की ऊंचाई पे है और ये 6500 फीट अबाव सी लेवल के। ये एक दाउलूदर रेंजेस वेस्टर्न हिमालय पे सिचुएटेड है और इसका सबसे पास वाला टाउन डलहौसी। It is a nice picnic spot where you spend some time with your family and friends and enjoy lovely of exist waterfall. Panchkula is very beautiful place. It is folded by green blanket of line and older trees. Some of these streams even contain medical properties that are helpful in healing skin disease. The Panchkula is a significant place which is surrounded by picturesque mountains on the Dalhousie. ये अजीत सिंह की समाधि है
जो भगत सिंह के चाचा हैं, जो स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह हैं, ये उनके चाचा हैं। और इनकी मृत्यु 15 अगस्त के दिन ही हुई थी। 14 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इनको इतनी खुशी हुई थी कि स्वतंत्रता के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता का स्वागत किया और दूसरे दिन ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। गवर्नर जनरल जमैका की डेथ मेमोरी के हिसाब से बनाया गया था। उन्होंने गवर्नर जनरल कनाडा के गवर्नर जनरल से और हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर टू चाइना, मतलब चाइना में भी उन्होंने सर्व किया था। देन ही डाइड इन इंडिया हियर इटसेल्फ, इसलिए उनकी याद में ये चर्च बनाया गया है। उनका नाम था गवर्नर जनरल जमैका। थैंक यू हमारे सही टाइम पे आए, अपने को ये चीज देखने को मिली। एक बॉटल ले लो ना मैडम उनसे, मैम खाने पीने स्टार्ट। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, हम लोग यहाँ पर अभी धर्मशाला में हैं और यहाँ का व्यू बताइए मनीष इधर। ये सभी बच्चे मॉर्निंग में 5:30 पे उठ गए थे और अब हम सब ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। हाय करो बेटा पेरेंट्स को। Send it to me. Student of class 10 Zenith from Paramount Academy. Today we are visiting Himachal Pradesh Cricket Association Cricket Stadium. And this is stadium is a home of Punjab Kings team in 05. This ground contains capacity of 23,000 seats. And this ground have rare grass. Which is speciality is that this remains same at a temperature of 10 degrees Celsius. Himachal Pradesh Cricket Association is one of the premier cricket governing provincial units affiliated to the Board of Control for Cricket in India and operates from Shimla. Himachal Pradesh Cricket Association was established in 1960 and was granted first class cricket status in September 1984 and played in 1984 and 85 season. Himachal Pradesh Cricket Association Stadium is opened in 2003. श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी।
दीवालों के ऊपर दीवाले हैं ना, वहाँ पर दीवाल है, उन दीवालों के ऊपर भी चला गया, उन दीवालों पे भी गोलियाँ चलाई गई, मतलब यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। जो जिस भी व्यक्ति को जैसे भी चला गया उसने अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया। मैंने भी एक कहा के रेल चलिया वाला मार्ग केवल अभी अभी बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन इसका जो नरसंहार है वो इतिहास के पन्नों में बड़ा ही सुंदर है। लाशें यहाँ पर अगर इसका कहीं हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, वीडियो वगैरह देखोगे पुराने, तो यहाँ पूरे में लाशें लाशें। भगत सिंह चंद्रशेखर, भगत सिंह जब ज़्यादा उग्र हुआ था ना जो बंदूकें बोल रहे हैं, वो यहीं से प्रेरणा हुई और किस्मत से जलियांवाला बाग मिट्टी अपने आप में बड़ी पवित्र पूजनीय मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पर सभी All of you, we are the students of Class 10, Paramount Academy, Sitamo. And we are here presenting Jallianwala Bagh Massacre. सो बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है रोलेक्ट एक्ट से, जिसके अंदर ये होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया लॉ पास करती है रोलेक्ट, जिसका नाम होता है रोलेक्ट एक्ट, जिसके अंदर अगर उन्हें लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर कुछ क्राइम कर सकता है तो वो उसे बिना किसी कोर्ट प्रिवेंशन के 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। और इस फिर आती है डेट 13 अप्रैल 1999, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण किसी भी लोगों को पता नहीं होता है कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। अमृतसर के सारे लोग बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें 80% लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने आते हैं और 20% लोग प्रोटेस्ट करने की प्लानिंग करने के लिए जलियांवाला बाग में आते हैं। फिर जनरल डायर जलियांवाला बाग में एंटर करते हैं, और जलियांवाला बाग में एक ही एंट्रेंस और एक ही एग्जिट होता है, जिसके कारण वो फायरिंग शुरू कर देते हैं और लोगों को पता नहीं होता है कि वहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है। और फिर फायरिंग का जो और फिर जनरल डायर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगते हैं और जान बचाने के लिए दीवालों से इधर उधर भागने लगते हैं। इस फायरिंग के बाद जनरल डायर लंदन चला जाता है। इस उसके फायरिंग करने के बावजूद भी उसे कोई सज़ा नहीं मिलती और उसे रिस्पेक्टफुली वहाँ स्वागत किया जाता है।
We all want to tell about this place. The ceremony known as Beating the Treat takes place at the Attari Wagha border, which is a part of Great Trunk Road. The ceremony starts every evening immediately before sunset with the blustering parade by the soldiers from both sides and ends with a perfectly coordinated lowering of the two nations' flag. One infantryman stands at attention on each side of the gate. As the sun sets, the iron gates at the border are opened and the two flags are lowered simultaneously. The flags are then folded. It was the only road link between these two countries, India and Pakistan. It is both a symbol of two countries' rivalry and display of both brotherhood and cooperation between two nations. And the ceremony ends with retreat that involves a brusque handshake between soldiers from either side, followed by the closing of great gates again. The spectacles of the ceremony attracts many visitors from both sides of the border as well as international tourists. Hello everyone, to all who are listening me, I'm the student of 12th standard and I'm going to give a quick representation about Golden Temple, which is situated in Amritsar. The Golden Temple is famous for its full golden dome. It is one of the most sacred pilgrim spot for the Sikh. Thus, Mandir is built on the 67 feet square of the marble and is two-storied structure. Maharaja Ranjit Singh had a upper half of the building built with the approximately 400 kg of gold leaf. The organization uses only pure gold for the purpose of decorating the temple. So the 22 carat gold, which is collected by the committee, is first purified into 24 carat gold and then the gold plating is done on the copper plates. Let's get to the history of Golden Temple. Hazrat Milan Mirji, a Muslim saint, laid the foundation of the temple and the construction was supervised by Guru Arjun Dev. The Guru asked to build the temple at the lower level with the four gates, one in each direction. As we can see in the video, the construction of temple was started in 1588 and completed in 1601. And this is how we explore Golden Temple.